संभालिए भैया, संभालिए भैया, संभालिए, आराम से आराम से, हल्के हल्के, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैडम भैया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैडम बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो अपनी लप्पी लुथरानी के संग चाट पेल दी होगी इसने कहीं। ओए होए 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 होए, टिक्कियां और गोलगप्पे। नो मॉम, मेरे पेट में हो गया है हर्निया इज्दा। हसीना है अगर न्यू जर्सी है तो मैं हूँ कैलिफोर्निया इज्दा। है ऐसा है, ये जो फालतू वाले यो बाने है ना, यो मैं स्कूल में बनाया कर रही थी कि मिस आई हैव हेडेक, मिस तबीयत खराब नहीं, मिस पड़ोसी का जो है बिल्ली बीमार होगी, उसको मैं डॉक्टर के छोड़ के आई हूँ। नए वाले बना कोई, कभी ना सुने गए बहाने। मैंने यही कहा था मैडम भैया से, लेकिन भैया बोले कि चलो यार देखते हैं, चल गया तो चल गया। तमीज में रह ले, अप्रोचिए भैया के चक्कर में ना थारी भी डूबेगी एक दिन नैया। सॉरी मैडम। वाओ, ऐसा है, सिर्फ एक जो एज डिफरेंस, एक माता मम्मी ने सिखाया था कि बेटा बड़े बुजुर्गों की ना रिस्पेक्ट करना, बस उसी का लिहाज कर रही हूं मैं। तैने है कोई अपनी बुजुर्गियत का लिहाज? वेल मॉम, मैं भी आज से करूंगा लिहाज इसका। हसीना है अगर तकिया है तो मैं हूं गिलाफ इसका। सीनाओं के पास मरना फिर। बोला था मैंने। मैडम, मैडम हमें आनंद अमर प्रेमी पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। नमस्ते मैडम, हम हो रही इनकी अर्धांगनी पुष्पा, जाओ मैं तुमसे बात ना करती। हाँ जी आनंद अमर प्रेमी, जरा अपनी कटी पतंग निकालिए, समस्या बताइए। मैडम ये क्या कटी पतंग बाहर निकालेंगे, इनकी पतंग तो कब की कट गई फट गई। पुष्पा आई हेट टीयर्स। चुप रहो तुम, तुमसे बात ना कर रही मैं। दरअसल मैडम क्या है कि ये सब ना इनके छोटे भाई बंटी का किया जा रहा है। क्या सब? Well, बंटी ने क्या किया है गोल माल इसदा, हसीना है अगर मछली है तो मैं हूँ जाल इसदा। अरे वही तो बता रही हूँ दद्दू। दरअसल मैडम क्या है कि ये और इनकी अम्मा रेलवे स्टेशन पे झुंझुना बेचा करते थे, और क्या है मैडम बित्ते भर के बंटी को इनकी गोद में दे के मरने से पहले बोली कि बेटा मैं जा रही हूँ, और जाते जाते तुम पर एक जिम्मेदारी थोप कर जा रही हूँ। आज से तुम ही बंटी की माँ हो, बाप हो, भाई हो और बहन भी हो रे। आंसू पोंछ लीजिए अंकल जी, टीयर्स। अरे टीयर्स नहीं है रे, ये पसीना है, हमें बहुत गर्मी लग रही है। तो गर्मी लग रही है तो शॉल क्यों लपेटा हुआ है अंकल, शॉल उतार दो ना। नहीं, हम ये शॉल कभी नहीं उतारेंगे। क्यों, ठाकुर वाला मामला है क्या? अरे मैडम, जिस भाई को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी भाई ने हमारी कमाई हुई दौलत से हमें बेदखल कर दिया रे। चुप रहो तुम। दरअसल मैडम क्या है कि ये ठहरे निपट अनाड़ी, इन्हें तो बस टीका लगाने का शौक है। टीका? कौन सा, पोलियो का, खसरे का? अरे ना ना मैडम, वो वाले टीके ना, वो पूजा के बाद लगाते हैं ना, सिंदूर वाला टीका, वो वाला टीका लगाते हैं ये। पहले तो रोज 2 घंटा पूजा करते हैं, फिर पूजा करने के बाद मोहल्ले भर में टीका लगाते फिरते हैं लोगों को, तो बस उसी का फायदा उठा लिया इनके छोटे भाई बंटी ने। Well, बंटी ने लगा दिया है टीका इसदा, हसीना है अगर दिलेर मेहंदी है तो मैं हूँ मीका इसदा।
अरे दद्दू, जायदाद के कागजात पे टीका लगवा लिया इनसे, ये ठहरे निपट अनाड़ी। एक दिन क्या है, पूजा करके ये बाहर निकले तो बंटी कागजात लेके आया, कहने लगा भैया इन पे भी टीका लगा दो, शुभ हो जाएंगे ये है। इन्होंने जो है उस पर टीका लगाने के लिए आगे बढ़े सिंदूर वाला, तो कहने लगा नहीं नहीं भैया इन पे लाल टीका मत लगाओ, अशुभ हो जाएंगे, इस पे तो नीला टीका लगाते हैं। तो एक बट्टी भर की ले गया है नीली टिकिया, और उस पर इन्होंने अंगूठा घिसा और पन्ने 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 पे पता नहीं कितने टीके लगवा लिए इनसे। क्या अंकल जी कुछ दिमाग वगैरह है नहीं है? हुई 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 हुई। नहीं, आपके बचपन में आपकी माता जी ने आपका दिमाग ठीक करने का टीका कोई नहीं लगाया आपको? कोई कहेगा कहीं भी लगा दो टीका तो लगा दोगे, निकल को मैं कहूंगी कि बिजली की नंगी तार पे जो है टीका लगा दो तो चेप दोगे अंगूठा। इनका कोई भरोसा नहीं मैडम, ये वहां भी लगा सके अपना अंगूठा। पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। अरे जाओ चुप रहो, तुम बात ना कर रही मैं तुमसे। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। अरे जब इतनी गर्मी हो रही है तो क्यों रखी साथ? योगे लफड़ा है? लफड़ा नहीं रे, ये मेरी माँ की निशानी है। What? इस मंगलसूत्र में, इस चूड़ियों में माँ मेरे साथ है। लोग कहते ना कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो अपने पास ही रहते हैं रे। लोग नहीं कहते, बच्चन साहब ने कहा है एक कविता में। ये आपकी माता जी है? अच्छा ठीक है भाई, नमस्ते आंटी। आंटी के दर्शन हो गए, अंकल जी भी हैं कहीं आसपास? ये रहे मेरे पिताजी। वाह, नमस्ते अंकल जी। चलिए बढ़िया है, हैप्पी टू मीट योर एंटायर फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली से तो मुलाकात हो गई। इब जरा मास्टर बंटी से भी हो जाए मुकालात, आई मीन मुलाकात। जय आए। हेलो मिस चौटाला। हेलो सर, हाउ आर यू? बस जी रहे हम, आप जैसे हस्ती के छांव में। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कोई ह्यूमन बीइंग ना होके बल्कि कोई वृक्ष हूँ, कोई पेड़ हूँ जिसकी छांव में आप जी रहे हैं। मिस चौटाला, आप बरगद का वो पेड़ है जिसके छांव में हम जैसा हर मुसाफिर आकर बैठना चाहता हूँ। सर वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरगद के पेड़ पे ना अक्सर भूतनियां लटकी होती हैं, कहीं ऐसा ना हो, मतलब बची के रहिए, कहीं कोई भूतनिया आपके पीछे लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम तो चाहते हैं कोई हमारे पीछे पड़े, लेकिन हमारे पीछे कोई पड़ता ही नहीं, क्या करे बताइए। भूतनी सो प्रिटी यू आर, आते हैं जरा। क्या हुआ रे? अरे सर सॉरी, आई एम ओके, हार्ट अटैक नहीं आया। क्या नहीं, हम इंसान नहीं है क्या? हाँ रे इंसान है। मैं सॉल्व नहीं करूंगी फिर केस। अरे ये रखना यार तू, अरे तू भी यार याद रखना, बहुत सारी अंगूठियां हैं मेरे पास। मैडम मैं मिस्टर प्रेमी के भाई को ले आया हूँ। ये
हेलो मैडम, माई सेल्फ बंटी। ओ कम ऑन भैया, ये सब क्या है? हाँ, यो सब के यो ही पूछने के लिए तैने यहाँ बुलवाया है पुलिस स्टेशन में। के प्रॉब्लम के? क्यों तैने माँ बाप भाई बहन के पूरे पैकेज के संग इतना बड़ा धोखा क्यों करा तैने? अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई धोखा नहीं किया। क्या है कि भैया ने अपनी मर्जी से जायदाद के कागज पे अंगूठा लगा के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बकवास कर मत यहाँ हमारे सामने। तैने धोखे से जायदाद के कागजों पे अंगूठा लगवाया इनका? नहीं नहीं मैडम, मैंने भैया को बोला था कि भैया ये जायदाद के पेपर हैं, इन पे टीका लगा दो। भैया ने प्रेम से लगा दिए, अब बताइए मैं क्या करूं? अबे तो टीका लगाना तो इनकी आदत है, टीका लगाना। नहीं तो अब मैडम आप बताइए, ये तो भैया की प्रॉब्लम है ना, इसमें फिर मैं क्या करूं? हाय दैया, मोरी मैया, अरे शर्म ना आ रही तुझे कहते हुए? मैडम इनने तो अपने भैया को ऐसे घर से बाहर निकाला है बेइज्जत करके, ऐसे तो कोई आवारा कुत्ते को भी ना निकाला है, कह रहे? अरे मैडम इनके चक्कर में मत पड़िए, देखिए क्या है, अभी कानूनी तौर पे बंगले का मालिक मैं हूँ और मैंने भैया के साथ कोई धोखा नहीं किया। भैया ने अपनी मर्जी से अंगूठा लगा के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, ठीक है? और भैया आप ही बताइए, क्या मैंने आपके सर पे पिस्तौल रख के अंगूठा लगवाया? नहीं। तो फिर मैंने आपको कुछ खिला पिला के बेहोशी की हालत में अंगूठा लगवाया? नहीं। क्या मैंने आपको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके अंगूठा लगवाया? नहीं रे। फिर मैडम ये क्या है, मेरे जैसे मासूम आदमी पे आप ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? सही बात है। तो भाई पाइनएप्पल तू निकल। तू शरीफ आदमी है, तू क्लीन आदमी है, भोला भाला इनोसेंट आदमी है, तैने तो कुछ नहीं करा, तू निकल, तू फ्री है, गो। थैंक यू मैडम। ओके भैया मैं चलता हूँ। हाँ बंटी टेक केयर। हाँ चल। हाँ चल। हाँ मैडम ये आपने क्या किया, बंटी को यूं जाने दिया? देखो पुष्पा रानी, कानून जब शिकार को अपने दांतों में दबोच लेवे ना, तो फिर शिकार का बच के जाना नामुमकिन से। लेकिन मैडम कानून ने तो खुद ही भेज दिया बंटी को। ऐसा आपको लग रहा है? उसको भेज नहीं दिया बल्कि फंसा लिया। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होवे, हमें बस इसकी कमजोरी का पता लगाना है। मिस्टर बिल्लू, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। मम्मी मेरे एग्जाम खत्म हो गए ना, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ हुआ था क्या? और ये जो राहुल राय बन के घूम रहा ना, कटवाले बाल, पुलिस में है तू कतई? ओ बिल्लू, ओ बिल्लू। अरे ये लड़कियां इतना देर क्यों लगाती हैं? हाय हाय हाय। अरे ठुमका डार्लिंग, तुम कहाँ रह गई थी? बारिश हो रही है क्या? क्या जानू, सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट आई हूँ। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर क्या है ना, तुम्हारे बिना ना मैं परेशान हो जाता हूँ। ये 5 मिनट कम वक्त मुझे 5 सालों जैसे लगते हैं ना। अच्छी तो फिर तुम हमेशा के लिए मुझे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? क्या बात कर रही हो तुम, तुमने ना मेरे मन की बात छीन ली। एक बार बस ये मेरा बंगला जो है वो बिक जाए, फिर हम दोनों हमेशा के लिए दुबई निकल जाएंगे। उसके बाद मेरी प्लानिंग मालूम है क्या है? क्या? मैं तुमको लेके एक प्यारा सा क्लब खोलूंगा, जिसका नाम रखूंगा मैं ठुमका क्लब, और उसकी एक अकेली डांसर सिर्फ तुम होगी, ठुमका मिश्रा। अरे वाह, पता है इसलिए तो मैं तुम्हारे बंगले की डील के लिए एक पार्टी लेकर आई हूँ। हाँ। किधर है साजन जी? ये है साजन अग्रवाल। हाय साजन, हाउ आर यू? आई एम फाइन।
How are you? Fine, fine. ये तुम्हारा बंगला पूरे 3 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। अरे तुम क्या बात कर रही हो? मेरा बंगला पूरे 5 करोड़ का है। देखो ऐसा है, तुम्हारा जो बंगला है ना, 2 करोड़ का भी नहीं है। ये तो ये मेरे दोस्त हैं, इसलिए 3 करोड़ दे रहा हूँ मैं आपको। बकवास खंडर है वो। जानू देखो ना, ये मेरे लिए 1 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या मेरे लिए 2 करोड़ कम नहीं कर सकते? सिर्फ 2 करोड़। बिंदु बिंदु देख, मैंने मेंढक पकड़ लिया। भगवान सर, आप हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इसका कान में रोड़ो ना। मजा आ रहा है। प्लीज मैं मेंढक हूँ। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। पर तुम मेरा अरे ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर 3 करोड़ में अपना बंगला दे दूंगा। तो फिर डन, कल छटंकी क्लब में आ जाना आप पेपर्स लेके, मैं कैश लेके आ जाऊंगा। ओके 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 ओके। तुम क्या है, थोड़ा सा ना कुछ पैसे बढ़वाने की कोशिश करना मेरे जाने के बाद। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मैं निकलता हूँ। अरे वाह चाली, 10 करोड़ का बंगला सिर्फ 3 करोड़ में, क्या बेवकूफ बनाया है इसे। आ डार्लिंग, परिंदा तुम्हारे जाल में फंस चुका है। आई नो, और तुम हमारी जाल में फंस गए हो। इधर आओ। कौन हो तुम लोग? वेल, हम हैं कानून के रखवाले इज्दा, हसीना अगर मकड़ी है तो हम हैं जाले इज्दा। अबे जाले होगा तू बे, हम बजरंग है, अब दिख नहीं रहा हम कौन है बे। चलिए मैडम, चुपचाप चलकर हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। अरे सर, लेकिन हमने किया क्या है? अब तक तो कुछ नहीं किया बेटा, अगर किया होता ना तो एनकाउंटर कर लेते। इसलिए फिलहाल शराफत से कह रहे आओ गाड़ी में आके बैठ जाओ। चलोगे? चलो चलो चलिए। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब इस महफिल में अपने हुस्न के जलवे बिखेरने आ रही हैं हुस्न की मलिका मशहूर डांसर मिस झुमका। जी नहीं, मिस झुमका। आप भी कमाल करते हैं शेख साहब। अभी अभी परफॉर्मेंस खत्म हुई, इसलिए आपका फोन उठा नहीं पाए हम। जी बताइए। अरे फिर वही मुद्दा, हम तो क्या कह रहे हैं कि आप ब्रिटनी को बुलवा लीजिए, या शकीरा, शकीरा से करवा लीजिए, या आजकल वो नई है ना जो बहुत फुदक रही है, माइली, माइली से कहिए वो ही आईली। हम कहाँ उस महफिल के लायक हैं। जी क्या फरमाया आपने? वो हमारा ही डांस देखना चाहते हैं,
अच्छा हमारे मुरीद हैं इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम अपने इलाके से बाहर जाना पसंद ही नहीं करते। तो उनको कहिए अगर उन्हें हमारा डांस देखने का शौक है तो छिटंकी क्लब में आ जाएं। जी जी बेहतर होगा। चलिए ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। ओके जी। तू कौन है बे? जी आपकी तारीफ। जी इस नाचीज को बंटी कहते हैं। बंटी? कहीं आप वही बंटी तो नहीं जिनका हमने बहुत नाम सुना है? हाँ सुना है कि बंटी बहुत ही काइया, बहुत ही घटिया, बहुत ही थर्ड ग्रेड लीचर लूमर नामक कूल टाइप का इंसान है जिसने अपने भाई और भाभी को घर से धक्के देकर निकाल मारा। वही बंटी तो नहीं? जी 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 बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं वही बंटी हूँ। बाय द वे ये सारी जानकारी आपको मेरे बारे में किसने दी? देखिए जानकारी तो हम सात समंदर पार तक की रखते हैं, लेकिन फिलहाल इस जानकारी से हमारा तारुफ कराया है ठुमका ने। ओ ठुमका। ठुमका बहुत ही करीबी सहेली है हमारी। हो क्या बात कर रही हैं आप। बाय द वे ठुमका ने कभी बताया नहीं कि उसकी आपकी तरह हसीन खूबसूरत दोस्त है। वैसे ठुमका क्यों नहीं आई झुमका जी? ठुमका की तबीयत आज थोड़ी नासाज है। वैसे ठुमका जिक्र कर रही थी कि किसी बंटी, अच्छा हाँ वही बंटी है। हाँ तो ठुमका कह रही थी कि बंटी को बेवकूफ़ बनाने का बहुत अच्छा प्लान उसने सोचा है, और कह रही थी कि जो आदमी ऑलरेडी इतना बेवकूफ़ है तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसका करोड़ों का बंगला वो कौड़ियों के दाम बेचने वाला है। क्या कह रही हैं आप, उसने ऐसा बोला? हाँ बोला तो ये भी था कि बंटी से वो उसका बंगला 3 करोड़ में अपने बॉयफ्रेंड साजन अग्रवाल से खरीदवा देगी। इसका मतलब साजन अग्रवाल उसका बॉयफ्रेंड है? आपको जानकारी नहीं? चलिए कोई बात नहीं, लगता है आपके बारे में जो सुना है वो सच ही है। खैर ठुमका ये भी जिक्र कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड यानी साजन अग्रवाल बंटी का बंगला 3 करोड़ में खरीद लेगा, यानी कि कौड़ियों के दाम में, और किसी और को 50 या 60 करोड़ में बेचकर वो दोनों दुबई निकल लेंगे, और वहाँ वो अपने नाम का एक बड़ा सा क्लब खोलेगी, ठुमका क्लब। वाह बहुत ही उम्दा प्लान बनाया है। ये आइडिया तो मेरा था, मेरा। देखिए आइडिया आपका हो या अभिषेक का हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो ये थी कि हम बंगले के लिए यानी उसको खरीदने के लिए कुछ पार्टियाँ बुलवाएं, क्योंकि हमारा उठना बैठना तो शेखों नवाबों बिजनेसमैन बड़े बड़े लोगों में है। हम बहुत पैसे वाले लोगों को जानते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए ठुमका ने हमसे मदद मांगी थी जो हम ज़रूर देंगे, क्योंकि हम उनकी सहेली जो हैं। इसका मतलब ठुमका मेरे साथ गेम खेल रही है, पर मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ठुमका जी। जी मैं क्या बोल रहा था? बोलिए। आप मेरे लिए पार्टियां ढूंढिए ना। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि आपने अपने बंगले की कीमत कितनी लगाई है? अरे झुमका जी पूरे 10 करोड़। 10 करोड़? जी 10 करोड़ तो हमारे शेख पसीना पहुँच कर फेंक देते हैं। 10 करोड़ से हम उन्हें दुबई से यहाँ बुलाने की जहमत उठाएंगे? कभी नहीं, हम जा रहे हैं। अरे तो 50 करोड़ है? 100 करोड़। मेरे बंगले की कीमत 100 करोड़? 100 करोड़ से बोली शुरू की जाएगी, नीलामी होगी, और फिर देखते हैं आपकी किस्मत आपको कहां तक पहुंचाती है। थैंक यू झुमका जी, थैंक यू। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? बकवास बंद कर, जाके नीलामी की तैयारी कर ले। नीलामी में बहुत काम होगा, तो आप जाकर मसरूफ हो जाइए, तैयारियां कीजिए,
हम नवाबों को और शेखों को बुलाते हैं। जी बिल्कुल बुलाइए। अच्छा मैं क्या बोल रहा था झुमका जी, अभी एक दो दिन पहले मैं पुलिस चौकी गया था, वहाँ की इंस्पेक्टर जो है उनकी शक्ल आपसे काफी मिलती है। वाह, वैसे कोई जानकारी हो ना हो पर ये जानकारी आपके पास है। हम भी आपको एक बात बताना चाहते हैं। बताइए। कुछ दिनों पहले हम भी अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटे के लिए जू गए थे। वहाँ हमने एक पिंजरे के अंदर बंद एक बहुत ही भोंडा मोटा काला चिंपैंजी देखा। उसकी शक्ल आपसे काफी मिलती है। झुमका जी आप भी बंटी जी आप भी जाइए, तैयारी कीजिए ना। कॉपी जी क्या आपने वेल मंगाई थी ना, आपकी वेल। मैं मंगवाई थी। वेल ब्रो, तुम मुझे ऐसे क्यों रहे हो घूरिजदा? हसीना अगर मंगलसूत्र है तो मैं हूँ सिंधूरिजदा। भैया मैं इतनी देर से आपको देख के ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी शक्ल किससे मिलती है, क्योंकि किसी से तो मिलती है, और इतनी मिलती है, इतनी मिल मिल के मिलती है, इतनी मिल मिल के मिलती है कि मिल मिल के मिलने की वजह से पूरी मिल गई है, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि किससे मिलती है। वेल ब्रो जल्दी बताओ किससे मिलता है मेरा फेस इज़दा, कोई फिल्म स्टार क्रिकेटर, जल्दी बताओ कैसा है मेरा भेस इज़दा। वही ना भैया, वही मैं याद कर करके याद करने की कोशिश कर रहा हूँ उस यादगार चेहरे को, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन किससे मिलती है? जल्दी बताओ किससे मिलती है। हाँ हाँ भैया आपकी शक्ल ना वो प्लीज प्लीज जल्दी बताओ किससे मिलती है। भैया आपकी शक्ल ना ढकोसले से मिलती है। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था चुन चुन खोसला इसदा। ये ढकोसला जो है ना हमारे मोहल्ले का जो धोबी है ना ढोंडू, उसके गधे का नाम है। तेरा कहने का मतलब है मेरी शक्ल गधे से मिलती है? नहीं भैया, वो गधे की शक्ल आपसे मिलती है। ओ तो ठीक है, तो ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं आता हूँ जरा, है ना। मेरी शक्ल गधे से नहीं मिलती है, लेकिन गधे की शक्ल मुझसे मिलती है। ये तो एक ही बात हुई ना। अबे वाह, रुक 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 जरा। हेलो शेक्स। हेलो, अल्लाह वल्ला झुमका, तुमसे मिलकर हमारा दिल नम खुश हो जाती झुमका। वल्ला। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आइए हम वो काम करें। हुई 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 हुई। इनसे मिलिए, ये है इस शानदार ए ग्रेड बंगले के सी ग्रेड मालिक मिस्टर बंटी। मिस्टर बंटी, आइए हम आपका तारुफ सबसे कराएं। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये हैं शेख पांडे बिन लालटेन फ्रॉम दुबई। अल्लाह मरहबा। इधर आती तुम इधर आती। खैर, इनसे मिलिए, ये है शेख गोपुद्दीन। ओहो महाराज, की हाल चाल है? ओ बड़ा चंगा लगा जी तुहाडे नाल मिलके। केड़ा पिंड है तुहाडा? अरे अरे झुमका जी, ये क्या, कैसे शेख हैं? ये तो पंजाबी बोल रहे हैं। तो क्यों ना बोले,
ये है ही अरबी पंजाबी शेक। बोले 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 बोले। अरे अरबी पंजाबी मतलब ये अरबी। अरे तू आम खाना। अजी पेड़ गिनने से आज तक किसका फायदा हुआ है जो आपका होगा? ओके। वाह क्या बात है, क्या बात है, पते की बात बोला। ज़ेनसीब जी इनसे मिलिए, ये एक खास शख्सियत है, शेख बिलाउद्दीन। हेलो। ये आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, भिंडी तोल दे आपको? हाँ जरा ये भिंडी तोल देना पाव भर। जरा भैया इधर दिखाना। अरे झुमका जी ये कैसे शेक हैं? ये तो आलू भिंडी परवल क्या बेच रहे हैं ये? ओ बिल्लू। दरअसल बंटी जी बात ये है कि ये जनाब पागल है। आयो यो यो। जी पैसा इतना है इनके पास, भरपूर दौलत और ऐशो आराम, पैसे के नशे में पागल हो गए हैं। आप भी हो जाएंगे जब आपका बंगला बिकेगा। पैसा आएगा ना? खैर मुद्दे पर आते हैं तो शेख भाइयों। मेरा कहने का मतलब है कि शेख जेंटलमैन। अल्लाह जी, इन जनाब ने अपने बंगले की कीमत लगाई है 100 करोड़ रुपए। तो शुरू करें? तो शुरुआत की बोली कौन लगाएगा? वल्ला हम लगाएंगे 100 करोड़ 50 लाख रुपए। 100 करोड़ 50 लाख। कोई है? वाला 101 करोड़। 110 करोड़। वाह क्या बात है। वैसे गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े शेख हैं, ये 54-58 की बोलियां आप लोगों को सूट नहीं करती। कुछ बड़बड़ कर बोलियां लगाइए वरना हमारा वक्त तो जाया हो रहा है। इतने खूबसूरत चेहरे से ये बात जो निकली हमारे दिल पर आके लग गई है। झुमका हम तुम्हारे लिए लगाएगी बोली 200 करोड़ की। 200 करोड़ 1। ओ बिल्लू। 200 करोड़ 2। 225 करोड़। दो सौ पच्चीस करोड़ 1। 225 करोड़ 2। 250 करोड़। खानदानी को भी इतने पैसे देखे मैं बड़ो। दो सौ पचास करोड़ 1। 250 करोड़ 2। रुक जाइए, हमारी तरफ से 300 करोड़ की बोली लगाती। 300 करोड़ 1 2 3 सौ। ए तू बुढ़ाऊ, आगे से ना तैने लेके नहीं आएंगे हम, ऐसी थर्ड क्लास एक्टिंग कर रहा है ना तू, ओवर एक्टिंग। और पंजाबी क्यों बोल रहा? पंजाबी अरे मिश्रला आपने कवर किया, इसके लिए पंजाबी शेख कहाँ होते हैं? और तू पागल से सर क्यों मार रहा? सर मैं नहीं, प्लीज नेक्स्ट टाइम से इनके लिए हम हायर्ड एक्टर्स लेके आएंगे, दे आर वेरी बैड सर, वेरी वेरी बैड, वेरी पकड़वा देंगे किसी दिन। डोंट वरी, डोंट वरी, मैं ना तेरी दाढ़ी नोच के ना मुंह में ठूंस दूंगी। डोंट वरी कर रहा है। सॉरी सॉरी। वल्ला मरहबा, वाह, हुई 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 हुई, मुबारक हो, आपका बंगला 300 करोड़ में इन्होंने खरीद लिया। शेख पांडे बिन लाल टेन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह, झुमका ये बंगला हमारा नहीं है, ये बंगला है तुम्हारा, हम तुमको
बर्थडे का गिफ्ट करती। ज़हनसीब, शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसी अदाओं पे तो हम मर जाते, वल्ला। बंगले के पेपर्स किधर होती? तेरे से पूछ रहे हैं। जी जी जी। बंगले के पेपर तो आप ही को पता है ना कहाँ है? यहाँ झुमका जी इनको समझाइए ना, गाड़ी में रखे हैं सारे पेपर, मैं आप ही लाके देता हूँ ना, पर पैसे तो मंगा लीजिए ना, बहुत सारे हैं। पैसे फोन में हैं, हमारा मतलब फोन से मंगाती तुम पेपर लेकर आती, ओके? जी जी जी। मुबारक मुबारक। अरे जान रहा है, ताली बजा रहा है। सर आप भी आज थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। व्हाट इज मतलब शेख साहब, मैं एवरीवन नो सर कि आप घूमे फिर रहे हैं काफी। नहीं गए ना इसलिए याद आ रही है, मतलब नामों से ख्याल में बैठा देते हैं। अंकल जी, आपके बंगले के कागजात। मुबारक हो, बंगला कल भी आपका था, आज भी आपका है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद की कोई जरूरत ना है, ये हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी जो मैंने निभाई। अरे मैडम मैं लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। अरे ऐसे क्यों तू अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है यार? नहीं नहीं मैडम, गला ना फाड़ू तो मैं क्या गाना गाऊं यहाँ पे? अरे मैडम, एक शेख और सुंदर सी हसीना मुझे सारे बाजार लूट के ले गए। क्या लूट के ले गए थारा? अरे अरे मैडम, मेरा बंगला, मेरी जमीन जायदाद सब कुछ। अरे उस शेख ने मैडम मेरा बंगला 300 करोड़ रुपए में खरीदा था, और जब मैं घर गया मैडम, मैंने नोटों से भरा बैग खोला, ऊपर के नोट असली थे लेकिन बाकी के सारे नोट नकली निकले, मैं बर्बाद हो गया मैडम। उन लोगों ने मेरा बंगला ठग लिया। अबे मैं पाइनएप्पल काट दूंगी थारा। कौन सा बंगला, किसका बंगला? वो बंगला थारा कब से हो गया? वो थारे भाई का बंगला है। क्या बात कर रही है मैडम? अरे वो तो मैंने इनसे टीका लगवा के अपने नाम कर लिया था ना। जैसे तूने टीका लगा के अपने नाम कर लिया था, वैसे ही शेख ने तैने टीका लगा के अपने नाम कर लिया, हिसाब बराबर। Yes! याद रख कि जो इंसान दूसरों के संग गलत करता है, बुरा करता है, धोखा देता है, स्पेशली ऐसे देवता जैसे भाई को, तो उसका यो ही हाल होता है। भैया मैडम, मैं सब समझ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने अपने भाई, अपने देवता समान भाई, पिता, बहन सब कुछ मेरे यही है, उनके साथ बहुत गलत किया। मैडम मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ गया, मुझे सब लोग माफ कर दो। दादा जी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोटे 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 तू ये क्या करे? अरे गलतियां है ना वो छोटे से ही होती है, तो बड़े क्या उसे माफ नहीं कर सकते रे? भाभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तू हट जा, बात ना कर रही मैं तेरे से। पुष्पा बच्चा है। ठीक है, बात कर रही हूँ तेरे से, माफ कर दिया तुझे, जा। वाह देख कितना भला आदमी है थारा भाई, तने इसके साथ इतना गंदा काम करा, इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी इसके दिल में थारे लिए आज भी जगह है। एक पल में तने माफ कर दिया। मारे जैसा कोई मिला होता भाई या बहन तो मैं बताती कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भैया चलो अब तो हम दोनों ही कंगाल हैं, फिर से चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और वापस झुंझुना बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं। उसकी कोई जरूरत ना है,
वो बंगला कल भी थारे भाई का था और आज भी थारे भाई का ही है। क्या बात कर रही है मैडम? बात दरअसल ये है कि आप शायद हमें पहचानने में गलती कर रहे हैं। वो आपने कहा था ना कि हमारी शक्ल थानेदारनी से कुछ कुछ मिलती है जी। हम तो कहेंगे कि हूबहू मिलती है। क्यों शेख साहब? पगला शेख, पंजाबी शेख। समझ गया मैडम, मैं सब समझ गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भाभी चलो मुझे आलू के पराठे बना के खिला। चल 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 भाभी, मैं आपके साथ रहूंगा। क्या पुलिस में है? नहीं क्या? इतना क्या काय का अटैचमेंट? काम हो गया, ड्यूटी निभा दी, काम पे लगाओ दूसरे केस पे। ये जो अखबार है ना, ये कौन सप्लाई कर रहा है यहाँ पंजाबी अखबार? Well, बहुत मुश्किल है इस दुनिया में मिलना ऐसा भाई इज्दा। हसीना है अगर सास है तो मैं हूँ जमाई इज्दा। भैया वैसे कल को भगवान ना करे, लेकिन धोखे से मैं आपकी सारी जायदाद हथिया लूं तो क्या आप भी मुझे माफ कर देंगे? Well, bro, मैं दे दूंगा तुझे माफी इज्दा। I like lemon toffee is the hit। तो चलो फिर कभी बैठते हैं आपकी जायदाद के पेपर लेके। Well। क्योंकि अच्छा कल क्या किया है? क्या किया या बंटी ने किया है? अभी सिंगल कैमरा रोल करो शेखर भाई। संजीव थोड़ा बगल में हो जाना अभी। यार अब दोबारा ऐसे करता है। मुझे बोलना था ना तुम्हें। इसको कुछ भी याद नहीं है। मैं बहुत थूक ली, एक मिनट। अब ये बजा देंगे उसमें संजय जी उसमें। अगर उन्हें हमारा डांस देखना है तो सॉरी बार का नाम क्या है? ये गाड़ी के पेपर्स किधर होती? गाड़ी के सॉरी लाइन को सुन ले। सॉरी। हाँ यहाँ से सर।